और नैना तो वो ही चाहती है कि सब खुश रहें, तो वो बड़ी खुश थी इस बात से कि चलो दीदी ने जाके खुद ही माफ़ी मांग ली। तो कहीं ना कहीं मेघना खुश थी इस माफ़ी से, या तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए मेघना ने जाके माफ़ी मांगी? एज ऑफ नाउ मेघना खुश है इससे। देखो मेघना एक्चुअली उसका नेचर नहीं है कि वो गलत चीज़ें बर्दाश्त करे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मेघना को भी ऐसा लगा कि एट दिस पॉइंट माफ़ी मांगना सही है, तो अभी तो उसने माफ़ी मांगी। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। लग रहा है ससुर जी की नाराज़गी एकदम दूर हो गई होगी अब। ससुर जी हैं तो ऐसे थोड़े अलग किस्म के, पता नहीं, उन्होंने ठीक है भी ऐसे से कहा ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ दिख रहा था कि शायद कुछ एक्सप्रेशन में चेंज आया है, शायद कुछ हद तक पिघल गए हों। ओके ठीक है, फैंस को लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी हर कोशिश कर रहे हैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को खुश करने की, आप लोगों को एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा डोज देने की, और हमारे हर एपिसोड में, हर सीन में इनफैक्ट बहुत सारा मसाला है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी भी आने बाकी है। आपने कल के एपिसोड में ही देखा होगा कि नैना और करण की ज़िंदगी में भी कुछ नया हुआ है, और मेघना का जो ऑफिस ट्रैक चल रहा है वो तो है ही, बहुत कुछ है अभी भी। प्लीज़ आप ऐसे ही शो देखते रहिए, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए, और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू। अरे यू नो वॉट, घर पे कल पार्टी थी, पार्टी के बाद में मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे जो ससुर जी हैं इनके जी, उन्होंने बहुत इज्जत दी मेरी मम्मा को, और सब बहुत ही अच्छा था। बट दी एंड अभी हमने वो सीन अब तक शूट नहीं किया, एंड ऑनेस्टली स्क्रीन प्ले मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसा होता है दोबारा से मेरी मम्मा की बेइज्जती होती है। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो मुझे भी पता चलेगा जब मैं सीन पढ़ूंगी आगे, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो हमने वो अब तक शूट नहीं किया है, बट दोबारा से मम्मा की बेइज्जती हुई है, और इसीलिए शायद मेघना ने कुछ कहा होगा इनके को जिसके लिए वो माफ़ी मांग रही है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। वही नैना भी आपका हाथ पकड़ते हुए नजर आई। नैना बहुत खुश है इस बात से कि किसी को मुझे कहना नहीं पड़ा, समझाना नहीं पड़ा माफ़ी मांगने के लिए, और मैंने खुद ही जाके उनसे माफ़ी मांगी। अब ऐसा है कि मैं खुद चाहती हूँ कि घर का माहौल अच्छा रहे, सब खुश रहें, और नैना तो वो ही चाहती है कि सब खुश रहें, तो वो बड़ी खुश थी इस बात से कि चलो दीदी ने जाके खुद ही माफ़ी मांगी। तो कहीं ना कहीं मेघना खुश थी इस माफ़ी से, या तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए मेघना ने जाके माफ़ी मांगी? एज ऑफ नाउ मेघना खुश है इससे। देखो मेघना एक्चुअली उसका नेचर नहीं है कि वो गलत चीज़ें बर्दाश्त करे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मेघना को भी ऐसा लगा कि एट दिस पॉइंट माफ़ी मांगना सही है, तो अभी तो उसने माफ़ी मांगी। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। लग रहा है ससुर जी की नाराज़गी एकदम दूर हो गई होगी अब। ससुर जी हैं तो ऐसे थोड़े अलग किस्म के, पता नहीं, उन्होंने ठीक है भी ऐसे से कहा ठीक है, लेकिन हाँ दिख रहा था कि शायद कुछ एक्सप्रेशन में चेंज आया है, शायद कुछ हद तक पिघल गए हों। ओके ठीक है, फैंस को लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी हर कोशिश कर रहे हैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को खुश करने की, आप लोगों को एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा डोज देने की, और हमारे हर एपिसोड में, हर सीन में इनफैक्ट बहुत सारा मसाला है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी भी आने बाकी है। आपने कल के एपिसोड में ही देखा होगा कि नैना और करण की ज़िंदगी में भी कुछ नया हुआ है, और मेघना का जो ऑफिस ट्रैक चल रहा है वो तो है ही, बहुत कुछ है अभी भी। प्लीज़ आप ऐसे ही शो देखते रहिए, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए, और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू।